फ्रेंड्स, रक्षा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग मार्केट से पॉपकॉर्न लाते हैं तो बहुत ही महंगे पड़ते हैं। छोटा छोटा सा पैकेट भी वो हमको 50-50 रुपए का देते हैं। और अगर हम घर पर बनाने की सोचते हैं तो जो एक पैकेट आता है 10 रुपए का, उसमें बिल्कुल ज़रा से दाने निकलते हैं, वो पॉपकॉर्न भी हम बना सकते हैं घर पर, लेकिन वो भी बहुत महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको पॉपकॉर्न के डायरेक्टली दाने मंगा लेना चाहिए, जो आप मक्के के जो हमारे कॉर्न होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप देख सकते हैं, ये देखिए पॉपकॉर्न के ये जो भुट्टा होता है उसके दाने होते हैं। तो ये दाने भी दो तरह के आते हैं, एक से तो आटा बनता है फ्लोर, और दूसरे से हमारे जो पॉपकॉर्न है वो बनते हैं। तो ये बहुत ही, मैं आपको बता दूं, केवल 80 रुपए किलो मिलते हैं, और बहुत सारे एक किलो में बहुत सारे चढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए डिब्बा भरा है मेरा, करीब इतना डिब्बा आया था, आधे से भी ऊपर था एक किलो में। तो 80 रुपए में इतने सारे हमारे दाने आ गए, जिनका हम यूज़ करके बिल्कुल इतने से ही हम लेंगे दाने, एक मुट्ठी दाने से ही हमारा आधे से ज़्यादा कुकर भर जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 2-3 रुपए के ही हमारे कुकर भरकर पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। तो हम आपको ये देखिए इतने पॉपकॉर्न से ही दाने से पॉपकॉर्न बनाना बताएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है और घर पर हर समय अवेलेबल रहता है। तो आप इसको मंगा करके रख लीजिए और जब मन चाहे गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बना करके रेडी कर सकते हैं। तो आज मैं इसी से आपको पॉपकॉर्न बनाना बताऊंगी। तो आप वो पैकेट मत मंगाएं, सीधे 1 किलो ये दाने मंगा लें, और दाने ज़रूर उनसे कहें कि पॉपकॉर्न वाले दाने चाहिए है, क्योंकि बड़े साइज़ का दाना नहीं होना चाहिए, ये छोटे साइज़ का दाना है। बड़े साइज़ के दाने से आटा बनता है, कॉर्नफ्लोर बोलते हैं जिसको हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, इसको हम बनाना सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुकर रख दिया है और कुकर को हमने हल्का सा गर्म किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुद्ध घी। आप शुद्ध घी की जगह चाहे तो जो ऑयल होता है फॉर्च्यून ऑयल या फिर बटर भी डाल सकते हैं, ये अपने अपने टेस्ट के ऊपर होता है। तो इससे भी कुछ हद तक जो पॉपकॉर्न बनते हैं टेस्ट में अंतर आ जाता है। बटर डालने से बटरी फॉर्म आ जाता है टेस्ट फ्लेवर, और हमने यहाँ पर शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा शुद्ध घी मेल्ट हो चुका है, अब हमने जो दाने लिए हैं इनको हम इसमें डाल देते हैं। और हम दाने को अच्छे से चलाएंगे। आपको फ्लेम अभी बिल्कुल धीमी रखनी है, स्लो रखनी है। तो हम दाने को हल्का सा फ्राई होने देंगे घी में। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, तो मैं यहाँ पर इतना नमक डाल देती हूँ। अब हम इसको गैस को थोड़ा सा तेज कर देंगे, और हम इसमें डालेंगे बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्दी, ताकि हमारे पॉपकॉर्न में बढ़िया सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर हम हल्दी डाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने हल्दी डाल ली है, तो थोड़ा सा कलर येलो आ गया है। तो अब आप चाहें तो इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला या मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मैं कोई फ्लेवर नहीं देना चाहती। तो अब हमने कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है और इसकी सीटी और रबड़ दोनों निकाल दी है। आप चाहें तो ऐसे ही ऊपर ढक्कन रख दें और ना निकालें सीटी रबड़, ढक्कन भी ऊपर रख करके बना सकती हैं। तो मैंने दोनों चीज़ों को रख दिया है, और अब मैं इसको तेज़ आँच पर थोड़ा सा तेज़ आँच कर देती हूँ गैस की। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं कि पॉपकॉर्न की उछलने की आवाज़ आने लगी है। हम बीच बीच में कुकर को हिला देते हैं, ताकि जो दाने हैं हमारे नीचे से ऊपर हो जाएं और सभी दाने अच्छे से पॉपकॉर्न में बन जाएं, वरना कुछ दाने नीचे रह जाते हैं। तो इस तरह से हम कुकर को हिला देंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। तो ढक्कन इसलिए बंद किया जाता है ताकि उछल कर हमारे चेहरे पर ना लग जाएँ। तो फ्रेंड्स, लगभग हमारे 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट में ही ये पॉपकॉर्न हमारे बन गए हैं, आवाज़ आना बंद हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया पॉपकॉर्न बने हैं। तो
तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि कितने सस्ते में हमारे पॉपकॉर्न बिल्कुल 2 रुपए में ही बनकर के रेडी हो गए हैं। इतने पॉपकॉर्न में कम से कम 10-10 रुपए वाले हमारे 5 पैकेट चले जाते तब जाकर के इतने पॉपकॉर्न हमारे बनते। तो ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं इस तरह से दाने आप खरीद लें। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाजार जैसे ही पॉपकॉर्न है। फ्लेवर आपके ऊपर है कि आप कैसा फ्लेवर देना चाहते हैं, तो आप इसमें चाट मसाला, मैगी मसाला डालकर भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितने गर्मा गर्म, जब भी मन हो, बरसात का मौसम हो या सर्दियों का, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न बना करके घर पर ही आप से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।